हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगाबा M75 कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रेगाबा M75 कैप्सूल जो कि टोरेंट फार्मा कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 319 रुपये है, जो कि इस टीम में 15 कैप्सूल अवेलेबल है। दोस्तों ये कैप्सूल आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं प्रेगाबालिन एंड मिथाइल कोबालामिन, और इधर को देखते हैं प्रेगाबालिन 75 mg, मिथाइल कोबालामिन 750 mcg अवेलेबल है। दोस्तों इस कैप्सूल को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, नसों से जुड़ी सभी समस्याओं में यूज की जाती है। नंबर 2, हाथ पैरों में ज्यादा दर्द रहता है तो उसमें भी यूज की जाती है। नंबर 3, मानसिक तनाव हो। नंबर 4, बेचैनी हो, घबराहट हो, डॉक्टर द्वारा दी जाती है। नंबर 5, मांसपेशियों में दर्द हो, कोई भी नॉर्मल पेन रिलीफ से अगर आराम ना मिलता है तो डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को दिया जाता है। नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं या अन्य प्रकार के नशा करता है तो अचानक छोड़ने पर तो उनके बॉडी में ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये कैप्सूल देते हैं जिससे कि उसको आराम मिल जाए। नंबर 7, ओल्ड एज के शरीर में बहुत ही दर्द रहता है, जैसे कि कोहनी में दर्द हो, शोल्डर में, कमर में, घुटनों में, तो इस प्रॉब्लम में भी यूज की जाती है इस कैप्सूल को। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है इस कैप्सूल को, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो दोस्तों इस कैप्सूल को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन को देखकर यूज करवाते हैं और डोज फिक्स करते हैं। एडल्ट को दिन में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद लेने को सलाह दी जाती है 15 से 20 दिनों तक, और ओल्ड एज के वो लंबे समय तक चलवाते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये कैप्सूल आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, एलर्जी के कंडीशन में यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस कैप्सूल के बारे में। तो ये बातें ध्यान रखिए आप। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि स्लिपनेस, लूज मोशन, ड्राई माउथ, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस कैप्सूल का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो प्रेगाबा M75 कैप्सूल के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया कैप्सूल है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई कंपनी के कैप्सूल अवेलेबल है, जैसे कि प्रेगाबिल M75 mg कैप्सूल, प्रेगासिप M कैप्सूल, न्यूरोकैन M कैप्सूल, तो इत्यादि कैप्सूल भी परचेज कर सकते हैं, जो कि सेम इंग्रेडिएंट होती है, वर्क भी सेम है बट अलग अलग कंपनी की होती है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट सेम होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।